आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। मारने से पहले क्या खाना चाहती है, यह पूछा था बिलाल ने। जेल में ही सूफिया को मारने की योजना बना ली थी बिलाल ने। पति पत्नी का सदर अस्पताल में हुआ कोविड टेस्ट। रांची के चर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाली रांची पुलिस को अब चारों तरफ से तारीफ मिल रही है। इस हत्याकांड को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था। एक साथ कई फ्रंट पर हमले हो रहे थे। केस पूरी तरह से ब्लाइंड था। आरोपी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, बल्कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। 11 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि सूफिया की हत्या पति ने ही की थी। उसका नाम शेख बिलाल है। रांची पुलिस ने शुक्रवार को सदर अस्पताल में शेख बिलाल और उसकी पहली पत्नी अफसाना उर्फ साबो खातून का कोविड टेस्ट कराया। इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। नाबालिग पुत्र को छोड़ा जा सकता है। पुलिस की पूछताछ में पिठौरिया के चंदवे मस्जिद मोहल्ला निवासी बिलाल ने बताया कि उसने हत्या की योजना जेल में ही बना ली थी। दूसरी पत्नी सूफिया ने पिठौरिया थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिससे वह जेल गया था। वह बदले की भावना से उद्वेलित था। लगातार वेब सीरीज आश्रम भी देख रहा था, जिसमें मर्डर के विभिन्न तरीके दिखाए जाते हैं। 2 जनवरी को उसने अपनी दूसरी पत्नी सूफिया को घुमाने के बहाने साईनाथ यूनिवर्सिटी की ओर लेकर गया था और उसने पूछा था कि कुछ खाने का मन है तो बोलो। सूफिया ने कहा था कि वह घर लौटना चाहती है। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। धड़ कहीं और फेंका और सिर कहीं और गाड़ा तथा कपड़े कहीं और जलाए। इसके बाद वह सिकिदरी स्थित अपने ससुराल में जाकर छिप गया था। पुलिस ने उस अपाची मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है, जिस पर अंतिम बार सूफिया बैठी थी। साथ ही लोहे की दौली और जले कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि बिलाल की 2 पत्नियां हैं। सूफिया का झगड़ा उसकी दूसरी पत्नी साबो खातून से हुआ करता था। वह तलाक के लिए दबाव बनाती थी, इसलिए बिलाल और उसकी पहली पत्नी साबो ने इस कांड को अंजाम दिया। अब जानते हैं कि किस तरह पुलिस अपराधियों तक पहुंची। इस कांड का खुलासा करना रांची पुलिस के लिए चुनौती था। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तब पुलिस ने पहले शव की पहचान करने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। बाद में आरोपी को पकड़वाने वालों को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। सूफिया चान्हों की रहने वाली थी। बिलाल ने उसके कपड़े उतार दिए थे ताकि मामला गैंग रेप का लगे। बड़ी मुश्किल से शव की पहचान हुई। इसके बाद केस परत दर परत खुलता चला गया। बिलाल की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। डीजीपी ने घोषणा की कि आईजी अखिलेश झा, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिल्ली डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, एक अन्य डीएसपी उरमांझी थानेदार और एक अन्य थानेदार को पुरस्कृत किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।